6260174231, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम लिख के भेज दें ताकि फ्यूचर में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आपसे मिस ना हो और वो आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाए। हे दोस्तों, रियांश राहुल हियर। आपने कई बार कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है कि पेंसिल को सही तरीके से कैसे पकड़ें और कब किस तरीके से पकड़ना सही रहता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से पकड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सी टिप है, बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको ग्रो करने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेंसिल पकड़नी है, कब कितना छीलना होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपको पेंसिल को ओवरहैंड ग्रिप को अच्छे तरीके से मास्टर करने में। ओवरहैंड ग्रिप क्या होता है, दो तरीके ग्रिप होते हैं, ये है ट्राइपॉड ग्रिप जिसको हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, और ये है ओवरहैंड ग्रिप जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी करते वक्त। इन दोनों ग्रिप के बारे में अब मैं इसको आपको वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना और एक्सरसाइज को जो मैं बताऊंगा उसको भी अच्छे से करना। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपके लिए छोटा सा टास्क है कि ओवरहैंड ग्रिप एंड ट्राइपॉड ग्रिप, ये दोनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। क्यों? क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो आपको जल्दी याद रहेगा वो चीज़, ओके। एंड जब आप नॉर्मल टाइम पे भी ये प्रैक्टिस करो तो इनके नाम याद रखना ताकि आपको अवेयरनेस रहे कि कब मैं कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो पेंसिल लिए, एक नॉर्मली जैसे हम शार्प करते हैं और एक जैसे अक्सर आर्टिस्ट को आपने शार्प करते देखा है। तो जब हम डिटेल एरिया को काम करते हैं, डिटेल एरिया में शेडिंग कर रहे हो या फिर छोटे एरिया में काम कर रहे हो, बारीक जगहों पे काम कर रहे हो, तो आप पेंसिल को ट्राइपॉड होल्ड में ग्रिप करते हो। नॉर्मली जैसे आप पकड़ते हो पेंसिल वैसे पकड़ते हो, और इसमें आप कैसे भी पेंसिल छीलो चलता है, ओके। आप लंबी टिप लो छोटी टिप लो चलेगा, लेकिन जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो पेंसिल की टिप लंबी ही होती है, वहाँ पर छोटी टिप की पेंसिल हम नहीं लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लो ये एरिया को मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और पहले जब स्टडी कर रहे हो या फिर आप डिटेल वर्क भी कर रहे हो तो पहले सिंपल किया जाता है, इस तरीके से डिटेल ड्राइंग नहीं बना जाती, सिंपल वे में स्ट्रेट लाइन में इसको कवर किया जाता है। तो यहाँ पे लंबी टिप पेंसिल का इस्तेमाल होता है, और अभी आप देख सकते हो कि मैं कैसे पकड़ा हूँ पेंसिल को, ओवरहैंड ग्रिप इसको बोलते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ओवरहैंड ग्रिप में छोटे टिप की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पेंसिल यहाँ पे फंसती है। तो इसलिए जब आर्टिस्ट स्टडी कर रहे होते हैं और ओवरहैंड में काम कर रहे होते हैं, ओवरऑल जब स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होते हैं जहाँ डिटेल काम नहीं हो रहा होता है, तब पेंसिल को लॉन्ग टिप रखते हैं प्लस ओवरहैंड की तरीके से पकड़ते हैं, ट्राइपॉड की तरीके से नहीं पकड़ते हैं। अब जैसे इस रफली मैंने बनाया, अब इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में जब मैं तोड़ूंगा और इस ओवरऑल जो मैंने लाइन पहले खींची थी उसको बारीक तरीके से मैं, और उसके बीच बीच में जो लाइंस हैं, जो कर्व्स हैं, उसको अब मैं देखना शुरू करूंगा, तब मैं पेंसिल को आप देख सकते हो कि मैंने नॉर्मल तरीके से पकड़ा है, ठीक है। तो हर जगह अपना अपना तरीका होता है। अब जब आप ओवरहैंड स्टडी करते हो, जैसे मैंने अभी पेंसिल को पकड़ा है और टिप लंबी है, तो यहाँ पर आप चारकोल का इस्तेमाल करते हो या फिर बड़ी लीड का इस्तेमाल करते हो जहाँ पर टिप पेंसिल की लंबी होती है, तो यहाँ पर आपका पूरा हैंड मूव होता है, ठीक है, सिर्फ रिस्ट मूव नहीं होता, पूरा हैंड शोल्डर मूव होता है। और यहाँ पे हमारा काम डिटेल्स पे काम करना नहीं होता है, हमारा काम रहता है कि जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको ओवरऑल हम जज कर पाएं, जो उसका उसका जो मार्किंग है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, कितनी बड़ी होगी, उसका एंगल क्या है, ये सब जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वहाँ पे हम इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं लंबी टिप के साथ और एकदम फ्लो में रफली काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं रफली एक बार आपको बता रहा हूँ, पोर्ट्रेट का ओवरऑल मैंने चेहरा बनाया, अब मैं इसके अंदर अगर आईज नोज को ड्रॉ करूँगा तब फिर मैं पेंसिल को नॉर्मली पकड़ूंगा जैसे हम पकड़ते हैं राइटिंग करते वक्त, ठीक है, ट्राइपॉड जिसको बोलते हैं। लेकिन जब मैं ओवरऑल स्टडी करूँगा, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर पॉट है तो उसका मैंने जब आउटलाइन बनाया, उसको मैंने ब्लॉकिंग जब किया तो मैंने पकड़ा ओवरहैंड में, ठीक है, ताकि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी वो मैंने मार्क कर लिया। और इस तरीके से एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो कि अलग अलग चीज़ों को देख के आप ओवरऑल जो मूवमेंट है शोल्डर का, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और इसमें आपको बड़े पेपर लेने हैं, आपको पेपर को स्ट्रेट रखना है, ज़मीन में सुला के नहीं रखना है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ओवरऑल चीज़ों को, डिटेल जब नहीं कर रहे होते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ली है, अब इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है, तो शुरू से मुझे ट्राइपॉड की तरह पेंसिल को नहीं पकड़ना है जहाँ पे हम डिटेल्स देखते हैं। इस तरीके से ड्राइंग की शुरुआत होती है जब हम पेंसिल को ओवरहैंड पकड़ते हैं, पेंसिल की टिप लंबी होती है और हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी पेपर में, हम ओवरऑल जो मार्किंग है वो लगा रहे होते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर आर्टिस्ट इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं।
कई लोग ट्राई करते हैं डिटेल करते समय ऐसी पेंसिल वो पकड़ने का और नहीं कर पाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह पे किस तरीके से पेंसिल वो पकड़ा जाता है, ताकि एक टाइम के बाद आपकी वो आदत बन जाए और आप डिटेल करना छोड़ दो शुरुआत में, तभी आप स्टडी अच्छे से कर पाओगे, तभी आप मार्किंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको जज किया। अब कुछ एक्सरसाइज आप देखो, एक एक्सरसाइज आप किसी फोटो को देख के ड्रॉ कर रहे हो उसको स्टडी करो, और यहाँ पे एक और एक्सरसाइज ये है कि आप कर्व्स बनाओ, एस कर्व, सी कर्व, सर्कल्स, इस तरीके की चीज़ें आप ड्रॉ करो, और इसको करते वक्त पेपर बड़े साइज के लेना और फ्रंट में स्ट्रेट रखना, ज़मीन पे सुला के नहीं रखना, ताकि आप सीधे खड़े होके पेपर से दूर भी जा सको, पास भी आ सको, और हैंड अपने हाथ को फ्रीली मूव कर सको। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, या तो रफली किसी भी चीज़ को एस कर्व, यू ओ कर्व, ओ बनाते समय या सर्कल बनाते समय, एक ही बात है, या फिर सी बनाते समय फ्लो में काम करना, रिदम बनाना, या फिर किसी फोटो को देख के, या फिर रियल लाइफ से जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें भी फ्री हैंड उसकी मार्किंग्स को, प्लेसमेंट्स को बनाना। तो ये कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके ओवर हैंड ग्रिप को मास्टर करने में। जब आप ओवर हैंड ग्रिप में सक्सेसफुल हो जाते हो, ओवर हैंड ग्रिप में आप कंफर्टेबल हो जाते हो एक टाइम के बाद, तो आप इजीली किसी चीज़ को दूर खड़े होकर स्टडी कर लेते हो, और ऐसे आपको सही ड्राइंग का फाउंडेशन मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे ड्राइंग को और तोड़ते हो, डिटेल में घुसते हो, तो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह में आती हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो अगर आप इन डेप्थ ट्रेनिंग लेना चाहते हो आर्ट के ऊपर, आर्ट के प्रिंसिपल्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स कैसे की जाती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मास्टर किया जाता है, उन सभी के ऊपर एक डिटेल्ड ट्रेनिंग है ड्राइंग मास्टरी, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाके वहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आर्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जा सके। लव यू ऑल, टेक केयर।